सुप्रभात बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि एक शब्द में उत्तर दो, हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेंसिल से क्या करना बहुत आसान है। क्या करना बहुत आसान है बताइए, क्या करना बहुत आसान है। बताइए। तो हम उत्तर लिखेंगे लिखना, क्योंकि अगर कोई गलती भी हो जाती है तो पेंसिल का दोस्त कौन है? रबर। और उस रबर से हम जल्दी से मिटा लेते हैं उसको और उस गलती का हम सुधार कर लेते हैं, इसलिए पेंसिल से लिखना बहुत आसान है। कितने साल पहले जर्मनी में रबर की चट्टाने मिली? कितने साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टाने मिली? सुंदर कमरा में से ले लेते हैं। रानी की दोस्त का क्या नाम था? रानी की दोस्त का क्या नाम था? क्या नाम था रानी की दोस्त का? अलका। उत्तर हम लिखेंगे अलका। फिर आएगा अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? कहाँ रखे थे अलका ने खिलौने? नंबर चार, अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? कहाँ रखे, कहाँ रखे थे अलका ने खिलौने? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अलमारी में। अलमारी। फिर रानी ने किसकी मदद से अपने कमरे को सुंदर बनाया? किसकी मदद से बनाया? माँ की मदद से। तो नंबर फाइव, रानी ने किसकी मदद से कमरे को सुंदर बनाया? इसकी मदद से बनाया बच्चों, उत्तर लिखेंगे इसका नाम माँ की मदद से। किसकी मदद से? माँ की मदद से रानी ने अपने कमरे को सुंदर बनाया। क्योंकि हम एक शब्द में उत्तर लिख रहे हैं तो सिर्फ हम लिखेंगे माँ की, है ना, माँ की मदद से। फिर हम आते हैं, बात भी बात है ही नहीं हमारे कोर्स में, वसंत ऋतु पर। वसंत ऋतु पर फूलों पर बैठकर गाना कौन गाता है? तो मैं इसका एक फोटो ले लेती हूँ, फिर अगला नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। नंबर सिक्स, इसमें आते हैं, इसमें लिखते हैं हम फूलों पर बैठकर गाना कौन गाता है? कौन गाता है बताइए, वसंत ऋतु में फूलों पर बैठकर गाना कौन गाता है? वो गाता है मोरा। तो उत्तर लिखेंगे इसका
स्वर मस्ताना लगता है। किसका स्वर मस्ताना लगता है बच्चों बताइए? कोयल। किसका स्वर मस्ताना लगता है? कोयल का। कोयल का। अब है नंबर एट। नंबर एट, इसमें आपको मैं एक लाइन दे रही हूँ, इसमें आपको मुझे बताना है कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है। जैसे मैंने लिखा है दोहन पुस्तक पढ़ता है। अब रोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कौन सा क्रिया शब्द है? पढ़ना। तो होगा यहाँ पे पढ़ता है ना। फिर हम लिखेंगे जैसे हम एक शब्द जो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसमें से भी हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे कौन कहेंगे? मैं गाना गाता हूं तो मैं कौन हूं? मैं गाना गाता हूं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ठीक है। तो इस तरीके से आपको भौरे गाना कब गाते हैं? वसंत ऋतु में। शब्दार्थ मैंने आपको बताई दिए थे कि आपको सारे याद करने हैं जो भी है। और वसंत ऋतु क्या संदेश देती है हमें? वसंत ऋतु खुशियां लेकर आती है। और जो पाठ पेंसिल की कहानी क्या संदेश देती है? पेंसिल बड़े काम की चीज है। और जो हमारा सुंदर कमरा, ये क्या संदेश देता है हमें? हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये भी संदेश भी याद कर लीजिएगा। एक शब्दों में उत्तर हो गए आपके, और हिंदी तो आप वैसे भी कर ही लेंगे। और आपको कुछ वाक्य बनाने हैं, वाक्य भी बना ही लेते हैं आप। जैसे सुंदर है तो मेरा घर सुंदर है, मेरा कमरा सुंदर है, मेरा बगीचा सुंदर है, मेरा खिलौना सुंदर है, मेरी माँ सुंदर है, कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। फूल है तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मुझे फूल बहुत पसंद है, फूल खुशबू देते हैं, फूल कई रंगों के होते हैं। तो आप कोई भी वाक्य अपनी पसंद से बना सकते हैं, बस वो वाक्य सही होना चाहिए। तो आप ये आप अपनी जो मैंने आज आपको एक शब्द में उत्तर वाले कराए हैं प्रश्न, वो अपनी कॉपी में लिखिए। और प्रतिभा और व्याकरण के जो भी लेसन हमारे पाठ हमारे आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ के शब्दार्थ और जो भी एक्सरसाइज हमने कॉपी में कर रखी है उसको आप करिए। ठीक है बच्चों।